ये दो बच्चों की नीति का मसला क्या है आखिर? आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ये चर्चा का कारण बना हुआ है, साथ में ही आप देखेंगे पूरे देश में चर्चा का कारण बना हुआ है। और आप में से कई लोगों के ये सवाल हैं कि ये कब से लागू होगी, और कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या ये किसी धर्म विशेष के लिए लाई गई है या किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है इसमें। ये धर्म विशेष का मामला तो इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव है 2022 में, और इसके थोड़े टाइम पहले ही ये नीति लाना, दो बच्चों की नीति लाना, इस पर उंगली जरूर उठेगी। समझ रहे हैं आप लोग कि आप सोचिए कि पहले भी तो ला सकते थे, इसीलिए आप देखेंगे राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा काफी हो रही है। इस तरह की आपके मन में जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उन सब के जवाब आपको इस क्लास में आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक ही बात बता देता हूं कि अभी तक जिन लोगों के 3 से ज्यादा बच्चे या 2 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं, उन लोगों पर इस नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आने वाले समय के लिए ये नीति होगी, समझ रहे हैं आप लोग, एक डेट लाइन दी जाएगी कि इस डेट से अगर आगे कोई 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसे कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक जो हो चुका है उस पर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग ये भी बोल रहे थे कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं उनका क्या होगा, तो देखिए उन पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात आती है, क्या किसी धर्म विशेष के लिए नीति लाई जा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं और आस पड़ोस में आप लोगों ने देखा भी होगा, कई हिंदू परिवार भी आप देखेंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। आप हर धर्म में देख सकते हैं कि कई लोगों के 2 से ज्यादा या 3, 4, 5, 6 बच्चे देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कहना गलत है कि केवल ये मुसलमानों के लिए लाई जा रही है, इसमें एक धर्म को नहीं देखना चाहिए, ये सभी लोगों पर लागू होगी, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और मुझे लगता है, देखिए मेरा पर्सनल, एक तरह से मेरा स्वयं का मानना है कि आपने देखा है कि चाइना ने भी इस तरह की नीति लाई हुई थी, आपने देखा है कि वो चाइना फेलियर रहा है इस नीति को सफल बनाने में। अगर इस नीति, इस तरह के नियम कानून लाने की बजाय हम लोग, आप देखिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करते, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करते, लोगों को जागरूक करते, तो आप देखते कि लोग खुद समझदार हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे हैं, अधिकतर लोगों की बात कर रहे हैं मैं, तो वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करते हैं। तो जागरूकता अगर बढ़ाते तो मुझे लगता है अच्छी बात थी। फिर भी आप देखेंगे इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या हो सकता है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, देखिए ये हमारा प्यारे भारत का नया नक्शा, इसमें आप देखेंगे यहाँ आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप सभी जानते हैं कि नेपाल से लगती है, और बाकी अगर हम राज्यों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, इसकी उत्तराखंड से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश, फिर आप देखेंगे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। और आप सभी को मालूम होगा कि इसे स्टेट का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया था, और इसीलिए आप देखते हैं कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ हम लोग अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 सीटें देखने को मिलेगी, कितनी? 403। वहीं अगर हम लोग लोकसभा सीटों की बात करें 80 सीटें देखने को मिलेगी, वहीं अगर आप लोग राज्यसभा सीटों की बात करें 31 सीटें देखने को मिलेगी, वहीं आप लोग विधान परिषद की बात करें तो 100 सीटें देखने को मिलेगी। और इतनी सीटें होने के कारण ही आप देखते हैं सभी पार्टियों की नजर उत्तर प्रदेश पर रहती है।
और ऐसा माना जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया उसने दिल्ली का रास्ता, दिल्ली की सत्ता का रास्ता आधा पूरा कर लिया है। ऐसा भी मानते हैं लोग कि जो दिल्ली की सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर ही शुरू होता है। आप सभी जानते होंगे कि अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री को ले लीजिए, मोदी साहब को आप सभी जानते हैं कि बनारस से चुनकर आते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, जनता से प्राप्त 8000 से अधिक सुझावों की समीक्षा करने के बावजूद बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा एक नए जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पर एक रिपोर्ट और मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अगर आपसे विधि राज्य विधि आयोग की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए एक कानून बनाने के लिए सुझाव देता है, एक तरह से राज्य विधि आयोग का यही काम रहता है कि किस तरह से कानून होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि विधेयक और अधिनियम में बस इतना सा फर्क है कि जब तक आप देखते हैं कि राज्य की जो विधानसभा विधान परिषद होती है उसमें जब तक रहता है ये विधेयक कहलाता है। जैसे ही आप देखेंगे राज्यपाल के सिग्नेचर यानी कि राज्यपाल की सहमति से मिलती है वो कानून बन जाता है। इसी तरह आप लोग केंद्र में देखते हैं कि आप देखते हैं कि जब तक राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव रहता है उसे आप विधेयक कहते हैं। जैसे ही आप देखेंगे राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। और राज्य विधि आयोग के मसौदा में राज्य सरकार के लिए दो बच्चों की नीति लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में भी कई बार पूछ लेता है। मुख्य परीक्षा की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप लोग प्रीलिम्स की बात कर लीजिए। जिस परिवार में केवल एक बच्चा है और उसने स्वैच्छिक नसबंदी करा ली है ऐसे सभी परिवारों को चाहे वे बीपीएल श्रेणी में आते हों या नहीं आते हों विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। विधि आयोग ने कहा है कि जिस परिवार में आप देखिए कि एक बच्चा है और उसने अब आगे बच्चे पैदा करने की एक तरह से ना बात की हुई है यानी कि नसबंदी करा ली हुई है, अब वो एक से ज्यादा बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, तो उसके लिए कहा गया है कि उसे कुछ लाभ भी तो मिलना चाहिए, उसे कुछ विशेष सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। तो ये विधि आयोग ने सुझाव दिया है, कानून लागू होने के बाद जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होते हैं उसे कल्याणकारी योजनाओं जैसे कई लाभों से वंचित कर दिया जाना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें कुछ आप देखिए कि जो लोग एक या दो बच्चे रख रहे हैं उन्हें कुछ फायदे या लाभ देने की बात की गई है और जो दो से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उन्हें कुछ लाभों से वंचित रखने की बात की जा रही है। और आप सभी लोगों को यह भी मालूम है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 से लेकर 2030 की अवधि के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी और तब से ये काफी चर्चा में बनी हुई है। इस नीति में जनसंख्या नियंत्रण में योगदान करने वालों के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया था यानी कि उन्हें कुछ लाभ देने की बात की गई थी। अगर जनसंख्या नीति के विधेयक ड्राफ्ट की बात करें हम लोग तो इसमें क्या क्या कहा गया है, नई नीति का उद्देश्य क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कुल प्रजनन दर को वर्तमान में प्रति हजार आबादी पर 2.7 से घटाकर 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.7 यानी कि 1.7 करना है, यानी कि छोटे छोटे लक्ष्य रखे गए हैं। अगर आपसे प्रजनन दर की बात करें तो इसमें क्या रहता है कि पिति महिलाओं द्वारा बच्चों का औसत, बच्चे बच्चों को जन्म देने का औसत, ठीक है, तो इसे किस तरह से घटाने की बात की गई है कि पिति हजार आबादी पर 2.7 अभी है इसे 2026 तक आपको 2.1 करना है और 2030 तक 1.7 करना है। फिर आपसे ये दूसरा उद्देश्य इसमें ये भी शामिल है कि आधुनिक गर्भ निरोधक विचलन दर को वर्तमान में 31.7 से बढ़ाकर वर्ष 2026 तक 45% और 2030 तक आपको 52% करना है। गर्भ निरोधक विचलन को
नसबंदी हो गई, और भी आपकी इस तरह की कोई तकनीक होती है, टैबलेट होते हैं, उन सब की बात की जा रही है ये महिलाओं में। अगर पुरुषों की बात करें तो आप देखते हैं गर्भ निरोधक तरीकों को वर्तमान में 10.8% से बढ़ाकर 2026 तक 15.1% करना है, और ये 2030 तक आप देखेंगे 16.4% करना है। अभी आप देखते हैं कि गर्भ निरोधक विचलन केवल महिलाओं में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी आप पुरुषों में देखेंगे 10.8 है, वहीं महिलाओं में आप देखेंगे 31.7 है। समझ रहे हैं? तो पुरुषों में भी आप देखेंगे कि इसे बढ़ाने की बात की गई है, पर आप देखेंगे मातृ मृत्यु दर को 197 से घटाकर 150 से फिर आपको 58 तक लाना है इसे, और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 43 से घटाकर 32 लाना है, और फिर आप देखिए 2030 तक इसे 22 लाना है, और 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर की बात करें तो इसे 47 से घटाकर पहले 35 लाना है 2026 तक, और 2026 से आप देखेंगे 2030 तक इसे 25 लाना है। और आपको एक और बात बता देता हूँ, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि एक वर्ष या उससे कम आयु में जिन बच्चों की डेथ हो जाती 1000 बच्चों पर, तो उसे ही आप लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और आपसे अगर बाल मृत्यु दर की बात करें तो 1000 बच्चों पर 5 साल तक अगर जिन बच्चों की मौत होती है उन्हें आप लोग इसमें रखते हैं। और मातृ मृत्यु दर की बात करें तो आप देखेंगे कि 1 लाख बच्चे जब पैदा होते हैं उन पर कितनी महिलाओं की, कितनी माताओं की डेथ हुई है, तो उसे आप लोग मातृ मृत्यु दर कह देते हैं। तो इसे भी याद रखिए आप लोग। तो इस नीति को लाने के एक तरह से उद्देश्य हो गए। अगर आपसे उद्देश्य कहीं लिखने को बोलता है तो इन 4 पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं। नीति के तहत अगर हम लोग केंद्रीय क्षेत्र की बात करें तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाना और सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना, नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, बुजुर्गों की देखभाल और 11 से लेकर 19 साल के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था करना। और आप सभी लोग जानिए कि मानव पूंजी में आप लोग तभी उपलब्ध यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप लोग बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण उपलब्ध कराएंगे। तो इस पर भी जोर दिया गया है। नीति के तहत अगर हम लोग प्रोत्साहन की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण मानदंड का पालन करने वाले या 2 या इससे कम बच्चों वाले कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि इस नीति को जो लोग मानते हैं और 2 या 2 से कम बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें उन्हें कुछ फायदे भी होंगे इसके। कर्मचारियों को आप देखेंगे पदोन्नति यानी कि पद में उन्नति की बात की गई है, उनकी वेतन बढ़ाने की बात की गई है, आवास योजनाओं में रियायत छूट देने की बात की गई है, और भी कुछ सुविधाएं देने की बात की गई है इसमें। 2 बच्चों के मानक को पूरा करने वाले लोक सेवकों को उनकी पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों सहित 12 महीने का पितृत्व या मातृत्व अवकाश, और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं की योगदान राशि में 3% की वृद्धि प्रदान की जाएगी। यानी कि आप इस नीति का पालन करते हैं तो आपको फायदे भी होंगे। जनसंख्या को नियंत्रण में योगदान करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को जल, आवास, गृह ऋण आदि पर करों में छूट जैसे लाभ भी दिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे की माता पिता द्वारा पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनते हैं तो उससे बच्चे के लिए 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को लागू करने के लिए एक राज्य जनसंख्या कोष की स्थापना भी की जाएगी, स्टेट पॉपुलेशन फंड भी स्थापित किया जाएगा, यानी कि इससे लाभ देने के लिए। जागरूकता के निर्माण की अगर बात करें तो विधेयक के मसौदा में राज्य सरकार से सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने के लिए कहा गया है। ये बहुत अच्छा उपाय एक तरह से आप कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रायोजिता की, तो इस कानून के प्रावधान विवाहित जोड़ों पर लागू होंगे। विवाहित युग में पुरुष की न्यूनतम आयु 21 साल और महिला की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वो आप देखेंगे ये तो विवाह की उम्र भी रखी गई है,
कि महिला की आप देखिए 18 साल रखी गई है और पुरुष की 21 साल रखी गई है। यह नीति स्वैच्छिक होगी, इसे किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों में भय नहीं होना चाहिए इसका। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप देखिए कि इसे जबरदस्ती किसी पर लागू नहीं किया जाएगा, स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर करेगी। इन उपायों की अगर आवश्यकता की हम लोग बात करें तो अधिक जनसंख्या से उपलब्ध संसाधनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, और आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही जनसंख्या है। चाइना के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा नंबर आता है दूसरे नंबर पर हम लोग जनसंख्या के मामले में, और ऐसा भी माना जा रहा है कि 2027 तक हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। वहीं आप लोग संसाधनों को देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए आप लोग, तो आप देखिए कि एक तरह से कहा जा रहा है जितनी कम जनसंख्या होगी सरकार उतने ही एक तरह से संसाधन इस तरह की उपलब्ध करा पाएगा। तो इन बातों को भी ध्यान में रख रहा है। सभी नागरिकों को सस्ता और पौष्टिक भोजन, सुरक्षित पेयजल, उपयुक्त आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और आर्थिक और आजीविका हेतु अवसर, घरेलू उपयोग उपभोग हेतु बिजली और सुरक्षित जीवन सहित मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुलभ होने के लिए उपाय अविलंब लागू करना आवश्यक है। तो इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि विधेयक से जुड़ी चिंताएं, क्योंकि कोई विधेयक आता है तो आप देखते हैं कि उसके दोनों पहलू आप देखते हैं, उसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। और लाभ तो आप लोगों ने ऊपर देख लिए, नुकसान की बात करें तो आप लोग चाइना से काफी कुछ सीख सकते हैं। एक बात और आप लोग जानते हैं कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, यानी कि पुत्र को तरजीह दी जाती है, कि पुत्र ही, मतलब आप सोचिए कि जिस घर में पुत्र नहीं है, लड़कियां लड़की हैं, तो आप देखते हैं कि एक टेंशन, मतलब चिंता बनाई जाती है उसे, मतलब कि क्या होगा और ऐसा वैसा। तो आप देखिए कि पुत्र के चक्कर में, पुत्र प्राप्ति के चक्कर में कई बार आप लोग देखते हैं कि लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता है। इस तरह की जो तकनीक आई हुई थी वो इस उद्देश्य ले आई गई थी या आई हुई थी कि देखिए आप लोग कोई बीमारी है, बच्चे में कोई कमी है, अल्ट्रासाउंड की बात कर लीजिए आप लोग, तो इससे क्या है उसके बारे में मालूम चल सके। लेकिन इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया कि लिंग निर्धारण में कि ये बच्चा है या बच्ची है। अगर बच्चा है तो ठीक है, बच्ची है तो आप देखिए कि उसका गर्भ एक तरह से उस बच्चे को, बच्ची को वहीं मार देना। तो इसमें विशेषज्ञों ने चिंता भी जताई हुई है, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को संकट में डालने वाली किसी भी जनसंख्या नीति के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, और गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन का बोझ महिलाओं पर असमान रूप से पड़ता है। इसे देखते हुए इस नीति के लागू होने से महिला नसबंदी में और वृद्धि होने की संभावना है। और भारत में आप देखेंगे पुत्र को दी जाने वाली वरीयता को देखते हुए कड़े जनसंख्या नियंत्रण उपायों में से आज सुरक्षित गर्भपात, भ्रूण हत्याओं जैसी प्रथाएं में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी भी देखी जाएगी। इसके तहत तो उदाहरण अतीत में कुछ राज्यों में देखे भी जा चुके हैं। और छोड़िए आप लोग, वैसे भी आप लोग अपने आसपास इस तरह के देखते भी होंगे घटनाएं, आप आसानी से देख भी सकते हैं। तो यही है फिलहाल आपका कहानी इसकी। अगर आप लोग इसे, कोई भी इस तरह का टॉपिक है तो उसे न्यूट्रल होके देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग पॉजिटिव पॉइंट भी देख पाएंगे और नेगेटिव पॉइंट भी देख पाएंगे और अपना व्यू भी देख पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट ही करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए उसे आप लोग सोचिए, कुछ अपनी तरफ से भी आपके पास दिमाग के लगा रखा हुआ है एक, उसे भी दूसरे के दिमाग के हिसाब से मत चलिए, ठीक है। और मेरा सबसे अच्छा उद्देश्य यही मानना है कि आप देखिए जागरूकता बढ़ाइए, शिक्षा व्यवस्था ठीक करिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करिए। और आपको एक और बात बता देता हूँ, कई लोग कहते हैं कि जनसंख्या के नुकसान ही नुकसान होते हैं, फायदा भी होते हैं। कैसे फायदा? आप देखिए कि एक घर में 5 भाई हैं, 5 बच्चे हैं, अगर आप उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हें मानव संसाधन में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं,
आप सोचिए कि कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है और बड़े अच्छे अच्छे जगह पर जाते हैं, तो आप सोचिए वो अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार पाएंगे, परिवार की स्थिति भी सुधार पाएंगे और देश की बढ़ोतरी में या जीडीपी में आप देखिए योगदान भी दे पाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या हालत है, इसे तो आप लोगों ने और बेहतर तरीके से देख लिया कोरोना महामारी के टाइम। तो यही हाल है। और इस तरह की आप देखिए कि कोई नीति जबरदस्ती लाए तो वो कभी सक्सेस कम ही हो पाती है। अब देखिए आप लोग, चाइना ने छूट भी दे दी है, पहले एक बच्चे की रखी गई थी कि एक से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो सफल नहीं हो पाई है तो वो छूट भी दे रहे हैं। तो इनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए, ठीक है।